मुरादाबाद के दिल्ली रोड लकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंची। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा वृक्षारोपण किया गया और आवास योजना में रहने वाले सभी नागरिकों से वृक्षारोपण के साथ साथ उनकी परवरिश करने की भी अपील की गई। सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना लकड़ी फाजलपुर पहुंचे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा सबसे पहले वृक्षारोपण किया गया और स्थानीय परिवारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील की कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने होंगे। वृक्षों को लगाने के साथ साथ उनकी परवरिश बहुत जरूरी है। सभी लोग यह समझ लें कि हम अपने जीवन में वृक्ष लगाएं और उनकी परवरिश करें। सिटी चैनल से बात करते हुए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा कहा गया कि आजादी के इस त्योहार पर हम यह प्रण लें कि हमें अपने देश को बुलंदियों पर पहुंचाना है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए देश के लिए वह काम करने हैं जिससे हमारे देश का परचम दुनिया में लहराता दिखाई दे। इस मौके पर प्राधिकरण सचिव अंजुलता, चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, अधिशासी अधिकारी अमित कादियान, संपत्ति अधिकारी RRP सिंह, AEJN जगूड़ी, सागर गुप्ता, RP यादव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी पूरी टीम मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की निकली है और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हमारे आवंटीगण हैं उन लोगों के बीच जाकर के हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए और वृक्षारोपण किए हैं। मैं सभी जो है मुरादाबाद वासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और कामना करता हूँ कि यह स्वतंत्रता दिवस उनके मन में वैचारिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सभी प्रकार की जो है स्वतंत्रता लेकर के आए और इस दिन को जो है एक पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाने की मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, कामना भी करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को मेरा संदेश यह है कि जितना हो सके जो है अपने आप को अवेयर बनाएं, जितना हो सके जो है अपना पढ़ाई पर फोकस करें जिससे कि जो है आपके जो विचार हों वो वेल इन्फॉर्म्ड हों, तभी आप जो है सही मायने में स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए जो है स्वतंत्रता दिवस का संदेश यही है कि आप पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहते हैं तो नॉलेज इज द पावर, नॉलेज को गेन करने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए।